हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे Redmi के 30 Ultra के बारे में। तो इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली इसका एक इमेज लीक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि Redmi के 30 Ultra आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एकदम हूबहू सेम डिजाइन है जिस तरह से आपको Redmi के 30 Pro में देखने को मिला था। यानी कुछ दिनों पहले जो चाइना में Redmi के 30 Pro लॉन्च हुआ था, जो अभी फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक उसी तरीके का सेम डिजाइन आपको Redmi के 30 Ultra में देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन में भी लीक हो चुका है। तो इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको एकदम इन डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस E3 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको Redmi के 30 Pro में देखने को मिला था। और यहाँ पर भी आपको कोई भी नॉच या पंचोल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो Redmi के 30 Pro का स्पेक्स और Redmi के 30 Ultra का स्पेक्स लगभग सेम आपको मिलेगा, जस्ट यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर Redmi के 30 Ultra के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1000 Plus का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि Redmi के 30 Ultra जो बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आपको पोको F2 के नाम से देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि पोको F2 का प्राइस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा Redmi के 30 Pro के मुकाबले, क्योंकि उसके अंदर आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है और MediaTek के प्रोसेसर बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि Poco F2 के नाम से इस बार Redmi के 30 Ultra इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम, और स्टोरेज में आपको 128GB, 256GB और 512GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको सर्कुलर केसिंग के साथ, यानी कि पीछे आपको सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, जो आएगा सोनी के सेंसर के साथ, और साथ में यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो स्टेबिलाईजेशन है ये आपको बहुत ही बढ़िया Redmi के 30 Ultra यानी कि Poco F2 में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो आपको यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, और वो भी पॉपअप मैकेनिज्म के साथ। और बात करें इसके बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4500 mAh का बिग बैटरी मिलेगा, साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसका जो बैटरी स्पेक्स है ये इतना भी अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसमें आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, या तो 4400 या फिर 4500 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी लास्ट में अब हम बात करेंगे इस फोन के लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, तो ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही जल्दी आपको अभी चाइना में देखने को मिलेगा, उसके बाद शायद आपको सितंबर के महीने में इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि MediaTek का प्रोसेसर होने की वजह से आपको ये स्मार्टफोन 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि इसका प्राइस कितना रहता है, और आप सभी को क्या लगता है कि ये फोन का प्राइस कितना होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।